हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस एक सनसनी बन चुका है। हाल ही में इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया जा चुका है। यूएसए, यूके, कनाडा, पुर्तगाल और अब हिंदुस्तान में भी मंकी पॉक्स वायरस के केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। चलिए जानते हैं इसको मंकी पॉक्स कहा क्यों जाता है। 1958 में डेनमार्क की एक लैब में सबसे पहले इस वायरस को मंकीज के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था और तभी से ये बीमारी मंकी पॉक्स के नाम से जानी जाती है। 1970 में कॉन्गो में मंकी पॉक्स वायरस का पहला ह्यूमन केस डिटेक्ट किया गया था और उसके बाद लगातार वर्ल्ड वाइड इस बीमारी के केसेस मिलते चले जा रहे हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली बीमारी, और ये बीमारी काफी हद तक स्मॉल पॉक्स या चेचक से मिलती जुलती है, पर चेचक की तुलना में ये काफी कम गंभीर है। मंकी पॉक्स वायरस एक एनवलप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो कि पॉक्स वाली फैमिली को बिलोंग करता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स भी इसी फैमिली के दूसरे सदस्य हैं, मतलब ये वायरस आपस में कजन्स ही हैं। अब जानते हैं मंकी पॉक्स वायरस के नेचुरल होस्ट के बारे में। ट्री स्क्विरल्स, रोप स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियों की अलग अलग प्रजातियां, डोर माउस एंड गैम्बियन पाउच ट्रेट्स यानी कि चूहों की अलग अलग प्रजातियां और मंकीज मंकी पॉक्स वायरस के नेचुरल होस्ट हैं। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ मंकी पॉक्स वायरस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पर रोडेंट्स यानी कि चूहों की अलग अलग प्रजातियों को इस बीमारी का संभावित नेचुरल रिजर्वायर माना जाता है। अब जानते हैं मंकी पॉक्स वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस के ट्रांसमिशन के मुख्यतः दो रूट हैं। फर्स्ट, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जिसको कि हम जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं, और सेकेंड, ह्यूमंस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड, बॉडी फ्लूड, स्किन और म्यूकोसल लीजन के इंसानों के संपर्क में आने से होता है। इन्फेक्टेड एनिमल के अनकुक्ड मीट को खाने से भी ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आ सकती है। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, स्किन लीजन और हाल ही में कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से ये मंकी पॉक्स वायरस बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक जा सकता है। गर्भस्थ शिशु ये बीमारी इन्फेक्टेड माँ से प्लेसेंटा के थ्रू ग्रहण कर सकता है, जिसको कि हम कंजेनाइटल मंकी पॉक्स कहते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि मंकी पॉक्स वायरस का ट्रांसमिशन सेक्सुअल रूट से हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं मंकी पॉक्स बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि इन्फेक्शन से बीमारी का पहला लक्षण आने के बीच का समय अंतराल जनरली 6 से 13 दिन का होता है, बट इट कैन रेंज फ्रॉम 5 टू 21 डेज। मंकी पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति को तेज बुखार, सर दर्द, मसल पेन, बैक पेन, लिम्फ एडिनोपैथी और बहुत अधिक कमजोरी यानी कि लैक ऑफ एनर्जी का अनुभव होता है। लिम्फ एडिनोपैथी मंकी पॉक्स को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मीजल्स से अलग बनाती है, क्योंकि इन बीमारियों के शुरुआती लक्षण भी मंकी पॉक्स जैसे ही होते हैं, पर इनमें लिम्फ एडिनोपैथी नहीं पाई जाती है और लिम्फ एडिनोपैथी मंकी पॉक्स का ही लक्षण होता है। बुखार शुरू होने के 1 से 3 दिन के अंदर ही स्किन पर लीजन्स आने शुरू हो जाते हैं। ये स्किन लीजन फेस, हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों पर पाए जाते हैं। शरीर का ट्रंक यानी कि धड़ वाला हिस्सा जनरली इन लीजन से बच जाता है। ये लीजन ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टाइवा और जेनिटेरिया में भी पाए जा सकते हैं। स्किन पर होने वाले ये दाने पहले मैक्यूल्स जो कि एक फ्लैट स्किन लीजन होती है, फिर पेट्यूल्स जो कि एलिवेटेड दाने होते हैं, फिर वेसिकल्स यानी कि वो दाने जिनमें कि क्लियर फ्लूड भरा हुआ होता है, और उसके बाद पश्यूल्स यानी कि ये दाने जिनमें कि पस भर जाता है, और फिर क्रस्ट जो कि सूख कर गिर जाते हैं के क्रमवार तरीके में इवॉल्व होते हैं। मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटेड डिसीज है जो कि जनरली 2 से 4 हफ्ते में खत्म हो जाती है। इस बीमारी के गंभीर मामले ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं। बीमारी की गंभीरता, वायरस एक्सपोजर के एक्सटेंट और बीमार व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पर भी निर्भर करती है। वायरल एनसेफेलाइटिस, ब्रोंकोन्यूमोनिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉर्नियल इन्फेक्शन और लॉस ऑफ विजन इस बीमारी के कुछ गंभीर कॉम्प्लिकेशन हैं। इस बीमारी की केस फेटालिटी रेट 3-6% है। अब जानते हैं मंकी पॉक्स बीमारी को डायग्नोस कैसे करते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी को डायग्नोस करने के 2 तरीके हैं। पहली डायग्नोसिस होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस,
जो कि बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षणों पर आधारित होती है, और दूसरी डायग्नोसिस होती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो कि आरटीपीसीआर टेस्ट के द्वारा की जाती है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल स्किन लीजन से ही कलेक्ट किया जाता है। अब बात होगी मंकी पॉक्स के इलाज के बारे में। मंकी पॉक्स का इलाज सिम्टोमेटिक तरीके से किया जाता है। बुखार, मसल पेन और बॉडी एक को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूड कंजम्पशन को बढ़ाने की सलाह दी जाती है। प्रॉपर रेस्ट और अच्छी डाइट हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को टाइमली प्रॉपर एंटीबायोटिक की यूज से कंट्रोल किया जाना चाहिए। एक्सट्रीम इन्फेक्शन की स्थिति में CDC एंटीवायरल एजेंट और इम्यूनोग्लोबिन मेडिसिन यूज करने की सलाह देती है। स्मॉल पॉक्स बीमारी के लिए यूज किया जाने वाला एंटीवायरल एजेंट टेकोविरिमेट मंकी पॉक्स के इलाज में काफी हद तक सक्षम है, हालांकि इसकी अवेलेबिलिटी अभी लिमिटेड है। अब सवाल उठता है, क्या मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन आ गई है? पुराने समय में स्मॉल पॉक्स बीमारी के लिए यूज किया जाने वाला टीका मंकी पॉक्स के लिए भी 85% इफेक्टिव है, पर ये ओरिजिनल टीका अभी जनरल पब्लिक के यूज के लिए उपलब्ध नहीं है। 2019 में अंकारा स्ट्रेन पर आधारित एक नए टीके को मंजूरी दी गई है, पर इस टीके की अवेलेबिलिटी भी अभी काफी हद तक लिमिटेड है। तो फिर मंकी पॉक्स को फैलने से कैसे रोका जाए? As we all know, prevention is always better than cure. जन साधारण को बीमारी के प्रति शिक्षित करके हम इस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। इस बीमारी में बीमार को लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल को टाइमली आइसोलेट करके ये बीमारी हम स्वस्थ लोगों तक फैलने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार अफेक्टेड एनिमल को ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आने से अगर रोक दिया जाए तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को भी रोका जा सकता है। एनिमल ट्रेडिंग पर लगाम कसने से ये बीमारी काफी हद तक फैलने से थम सकती है। सो गाइस, इन नटशेल दिस वाज ऑल अबाउट मंकी पॉक्स डिजीज। ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी जन सामान्य में अवेयरनेस फैलाने का एक माध्यम होती है। तो मंकी पॉक्स वायरस के खिलाफ इस जंग में इन वीडियोस को लाइक और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके आप भी अपना रोल प्ले करें। इसी बचपन चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री होता है। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने क्वेश्चंस भी हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।